एनिमल सैम बहादुर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच और बिग बॉस की नई नई नौटंकी। मैं इनमें से कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, बिकॉज मैं देखने आया हूँ यूरोप, और यूरोप में आकर भी मैं सिर्फ दो चीजें ही देख पा रहा हूँ, यहाँ की सर्दी और अपनी औकात। और दोनों को देख के भाई साहब बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। वो तो धन्य हो, थैंक यू अमेज़न मिनी टीवी का कि उनकी बदौलत कुछ ढंग के बढ़िया शो देखने को मिल जाते हैं, वो भी एकदम मुफ्त। मतलब मुफ्त में ड्रामा कौन दिखा रहा है आजकल, मुझे बताओ। दिल्ली मेट्रो में भी जो ड्रामा चल रहा है ना, उसको देखने के भी टिकट लेना पड़ता है। वही मैंने देखी एक नई ड्रामा सीरीज जिसका नाम था लव मी लाइक आई डू, और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आप लोग को बताऊंगा मुझे शो कैसा लगा और क्यों। बिकॉज आई एम ज़ैन, और डिस्पाइट बीइंग हियर यू गाइस आर वॉचिंग 5 पॉइंट रिव्यूज। कहने को तो भैया ये शो एक के ड्रामा है, और मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कोई भी के ड्रामा शो नहीं देखा था। इनफैक्ट हमने अपनी लाइफ में जो भी के ड्रामा देखा है वो बीवी के ड्रामा देखे, उसके अलावा कोई ड्रामा देखा नहीं है। लेकिन जब पता चला कि मिनी टीवी पर फ्री में मिल रहा है, और अब इनकी एक अलग ऐप भी आ गई, सो द व्यूइंग एक्सपीरियंस इज ऑल्सो मच बेटर एंड मच इजियर, तो हमने सोचा क्यों ना मिनी टीवी के इस फ्री शो का फायदा उठाया जाए। और तभी मैंने देखा लव मी व्हाट Like I do, और क्या क्या लगा मुझे उस शो के बारे में आप लोगों को सब बताऊंगा। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं शो के पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द शो से। एक चाइनीज सीरीज है लव मी लाइक आई डू, जो एकदम के ड्रामा स्टाइल में बनी हुई है। प्लॉट क्या है काफी इंटरेस्टिंग सा है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या हो रहा है उसमें क्या नहीं। सबसे पहले तो भाई साहब एक बहुत बड़े आदमी है, वो सीईओ टाइप के आदमी है, और उनकी लाइफ में एक ही दिक्कत है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस उनको लाल रंग से नफरत है। और लाल रंग देखने के बाद उनको चक्कर आ जाते हैं। मैंने कहा भाई साहब हमारी रिपोर्ट कार्ड पर लाल रंग देखने के बाद हमारे बाप के हाथ में चप्पल आ जाती थी, इनको तो फिर भी खाली चक्कर ही आ रहे हैं। और चक्कर की बात करो तो भाई साहब चक्कर तो मुझे भी आ जाते हैं, बिजली का बिल देख के सर्दी गर्मी में। सर्दियों में गीजर चलता है, गर्मियों में एसी चलता है, बिल कम कब होगा। वही उनके इंटरव्यू देने आती है एक यंग सी एम्बिशियस सी लड़की, जिनको लाइफ में सपने देखने का बहुत शौक है। और इसी लड़की का जाने अनजाने में इस बड़ी कंपनी में एक छोटा सा डिजाइन कॉपी हो जाता है, और वो उसके पीछे पड़ जाती है कि मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरा डिजाइन कैसे कॉपी हो गया। मैंने कहा क्या बात कर रहे भैया, यहाँ पूरी फिल्मों की स्क्रिप्टें कॉपी हो जाती है, सामने वाले की आंसर शीट कॉपी हो जाती है, तो एक डिजाइन कॉपी होना तो बहुत छोटी सी बात है यार, क्या हो गया। लेकिन अपने इस एजेंडे को परस्यू करती है और फाइनली जाकर मिलती है सीईओ, जहां पर वो उनके अटेंशन पाने के लिए उनको लाल रंग की चीजें दिखा देती हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली सीईओ उनसे मिलने के बाद बेहोश नहीं होते। मैंने कहा ये तो प्यार लग रहा है भाई साहब, मेरे को ये लव का कनेक्शन हो चुका है यहाँ पर। और वही चल रहा था वहां पर, और वहां से आगे सीरीज बिल्ड होगी कि कहाँ कहाँ ये चीज आगे जाएगी और कैसे इस अजीब से रिश्ते को आगे डेवलप करा जाएगा। देखा जाए तो एक सिंपल सा टीनेज टाइप का ड्रामा है, आपको देख के मजा आता है क्योंकि बहुत ही क्यूट सी लव स्टोरी बिल्ड कर निकल आती है, और बहुत ही ब्रीजी सा वॉच है। 20-25 मिनट के एपिसोड है, मिनी टीवी पर आप आराम से उनको फ्री में बैठ के देख सकते हैं, सो बहुत सुकून से निकल जाता है। वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी, इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड वॉच। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द शो। शो में परफॉर्मेंसेस लाइक आई सेड बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज एक बहुत ही लाइट एंड ब्रीजी सा शो है, तो उसमें परफॉर्मेंसेस पे बहुत ज्यादा कोई बहुत इन डेप्थ जाने की कोशिश नहीं करी गई है। इट इज मेंट फॉर अ वेरी ब्रीजी काइंड ऑफ वॉच, और उसी हिसाब से परफॉर्मेंसेस भी हैं। अभी जितने भी लीड रोल्स आए हैं उनके देख के बहुत मजा आता है, वो अपने अपने कैरेक्टर्स की जो एक सीरियसनेस है और कैरेक्टर का जो बबलीनेस है वो बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। सो ओवरऑल मैं परफॉर्मेंसेस से भी काफी ज्यादा इंप्रेस हूं। पॉइंट नंबर 3, द लैंग्वेज फैक्टर। भैया मिनी टीवी ने एक काम ये भी अच्छा कर दिया है कि इनको बहुत अच्छे तरीके से डब करा है, एंड थैंकफुली ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स डबिंग की वो प्रॉब्लम्स निकल चुकी हैं कि वहां पर क्या तुम मेरे साथ चलोगी लिंडा, इस तरह के डायलॉग नहीं है, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से उनको डब करा गया, और वो देख के अच्छा लगता है क्योंकि एटलीस्ट जब आप एक फॉरेन लैंग्वेज का शो देख रहे हैं और आप सबटाइटल्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं बहुत इजीली, तो बहुत सुकून हो जाता है कि अगर आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज में ही शो मिल जाए, एंड दैट इज समथिंग दैट दे हैव डन ओवर हियर एज वेल, तो वो चीज भी मुझे काफी अच्छी लगी। ओवरऑल मैंने अभी पहला एपिसोड ही देखा है, लेकिन मैंने सोचा आप लोग को उस एपिसोड के बारे में भी बता दूं। सो जाके आप लोग भी डाउनलोड कीजिए मिनी टीवी की ऐप, वहां पर अलग अलग नए नए शोज आते रहते हैं हर हफ्ते पे, वहां पर जाके आप लव मी लाइक आई डू को भी देख सकते हैं। एक सिंपल सा कोरियन ड्रामा है विच इज अराउंड लव इन्फैटुएशन ऑल ऑफ दैट, मजा आएगा आपको, काफी ब्रीजी सी वॉच है। हम लोग तो एयरपोर्ट पर बैठ के फ्लाइट में बैठ के उसको देख रहे थे, तो हमको मजा आया। अगर आप लोग को
भी मजा आए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोगों को शो अच्छा लगा और नहीं। और बाकी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने ओपिनियंस बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जब मैं वापस आऊं तो भरपूर कंटेंट आप लोगों को फिर से मिल सके। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। अब मुझे लग रही बहुत ज्यादा ठंड।